समझौता हुआ है जिसमें प्रत्येक एंट्री पर कॉमन सर्विस सेंटर वाले को 15 रुपया बोर्ड वहन करेगा, उसको श्रमिक को नहीं देना है। अब ये कैसा वहन करेगा, इसमें केवल जो अप्लाई करना है, हम लोग भी कहीं जाते हैं कुछ अप्लाई कराते हैं तो साइबर कैफे उस पर चार्ज लगाता है, तो अप्लाई करने का जो फीस है वो BOCW बोर्ड वहन करेगा। अतः बक्सर जिला अंतर्गत सभी कंस्ट्रक्शन वर्कर से ये अनुरोध होगा मेरा, या जो लोग भी इस कार्यक्रम को देखेंगे समझेंगे, वे अधिक से अधिक संख्या में कंस्ट्रक्शन वर्कर को कॉमन सर्विस सेंटर पर आधार, बैंक खाता संख्या, 2 फोटो और 50 रुपया के साथ भेजें, ताकि जो एप्लीकेशन का जो चार्ज है वो उनको नहीं देना पड़े। ये सुविधा हमारे यहाँ सरकार के द्वारा और माननीय मंत्री महोदय के निर्देश के आलोक में दिया है। मेरा नाम रिपुसुदन मिश्रा, मैं यहाँ प्रभारी श्रम अधीक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। श्रम संसाधन विभाग के द्वारा निर्माण कार्य में लगे कामगारों को कई तरह के लाभ दिए जा रहे हैं, जिसमें उन्हें पेंशन, इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं भी प्रदान की जा रही है। हालांकि इसके लिए श्रमिकों का निबंधन होना बेहद आवश्यक है। बिहार भवन निर्माण कामगार बोर्ड के द्वारा सभी निर्माण कार्य में लगे कर्मियों को निबंधित किए जाने की योजना है, ऐसा कर उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा, यह कहना है प्रभारी श्रम अधीक्षक रिपुसुदन मिश्रा का। उन्होंने बताया कि एक घर बनाने में जितने भी श्रमिक जैसे कि राजमिस्त्री, मजदूर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, पेंटर, कारपेंटर आदि कार्य करते हैं, उन्हें विभाग श्रमिक तो मानता ही है। इसके अलावा पुल, पुलिया, सड़क निर्माण अथवा किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों को निर्माण श्रमिक कहा जाता है। ऐसे लोग श्रमिक कल्याण की योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। श्रम अधीक्षक ने कहा कि कोई भी श्रमिक जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो, वह BOCW.bihar पर निबंधन कर सकता है। यह निबंधन मोबाइल अथवा कॉमन सर्विस सेंटर से भी किया जा सकता है। कॉमन सर्विस सेंटर पर आधार, फोटो तथा 50 रुपये के साथ जाकर निबंधन कोई भी श्रमिक करा सकता है। यहां पर कराने पर उसे चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है। निबंधन को लेकर क्या स्कीम चल रही है सर? श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार के द्वारा कंस्ट्रक्शन वर्कर के निबंधन के लिए एक BOCW बोर्ड, जिसको कि पूर्ण रूप से अगर हम बताएं उसको तो बिहार भवन अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के रूप में जाना जाता है, क्योंकि तो हिंदी में है, सब लोग जान भी जाएंगे इसको। जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्कर, अब ये कंस्ट्रक्शन वर्कर है कौन, एक घर बनाने में जितने भी लोग आप देख रहे हैं, जैसे कि पेंटर हो गया, कारपेंटर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, प्लम्बरिंग हो गया, फिर रेजा मिस्त्री ये हो गया, श्रमिक हो गया, उसका हेल्पर हो गया, जितना भी आपको नजर आ रहा है एक घर बनाने में, वे सारे कंस्ट्रक्शन वर्कर के रूप में जाने जाते हैं। इसके अलावे पुल, पुलिया, रोड कंस्ट्रक्शन जो भी आपके नज़र से दिख रहा है निर्माण होते हुए, वे सब कंस्ट्रक्शन वर्कर के रूप में जाने जाते हैं। अब इसमें हमको बिहार सरकार के द्वारा ये बताया गया है कि केवल 90 दिन कंस्ट्रक्शन वर्कर के रूप में आपको काम करना है, मतलब छूट है इसमें। सालों भर आपको कंस्ट्रक्शन वर्कर के रूप में नहीं काम करना है। 365 दिन में अगर 90 दिन भी आप किसी के यहाँ कंस्ट्रक्शन वर्कर के रूप में काम कर चुके होते हैं, तो आप हमारे जो यहाँ BOCW बोर्ड या बिहार भवन संनिर्माण बोर्ड में जो निबंधन होता है उसके लिए आप एलिजिबल होते हैं। इसमें उम्र जो है 18 से 60 साल ही होनी चाहिए। अगर पेंशन आपको लेना है तो 55 साल के पहले आप अपना अप्लाई कर लें, ताकि उसकी हम जब योजना के बारे में बताएंगे तो उसके में चर्चा विस्तृत हो चुका है। तो ये मेरा हो गया। अब इसके लिए सरकार ने सुविधा कर दिया, अभी पहले हमारे यहाँ ऑफलाइन निबंधन होता था, अब हमारे यहाँ सरकार ने एक पोर्टल का निर्माण किया है जिसका नाम है BOCW.bihar.gov.in। इस पर कोई भी श्रमिक या तो अपने मोबाइल से या कॉमन सर्विस सेंटर, जिसको कि हिंदी में वसुधा केंद्र जाना जाता है, जहां आधार बनता है, अगर कोई श्रमिक वसुधा केंद्र या CSC पर जाके अपना निबंधन कराता है तो श्रमिक को यहां एक फ़ायदा है। बिहार सरकार के BOCW बोर्ड एवं CSC के द्वारा एक MOU, एक मतलब क्या कहें उसको हिंदी में, एक समझौता हुआ है जिसमें प्रत्येक एंट्री पर कॉमन सर्विस सेंटर वाले को 15 रुपया बोर्ड वहन करेगा, उसको श्रमिक को नहीं देना है। अब ये कैसा वहन करेगा, इसमें केवल जो अप्लाई करना है, हम लोग भी कहीं जाते हैं कुछ अप्लाई कराते हैं तो साइबर कैफे उस पर चार्ज लगाता है, तो अप्लाई करने का जो फीस है वो BOCW बोर्ड वहन करेगा। अतः बक्सर जिला अंतर्गत सभी कंस्ट्रक्शन वर्कर से ये अनुरोध होगा मेरा, या जो लोग भी इस कार्यक्रम को देखेंगे समझेंगे, वे अधिक से अधिक संख्या में कंस्ट्रक्शन वर्कर को कॉमन सर्विस सेंटर पर आधार, बैंक खाता संख्या, 2 फोटो और 50 रुपया के साथ भेजें, ताकि जो एप्लीकेशन का जो चार्ज है वो उनको नहीं देना पड़े। ये सुविधा हमारे यहाँ सरकार के द्वारा और माननीय मंत्री महोदय के निर्देश के आलोक में दिया है।